गुस्सा में आया बहुत पैसे दी मुझे है इसमें लिखा हुआ है बीबी। हाँ, अच्छा हाँ। ये आईना दे दी मुझे सिखाई। हाँ, हाँ तो पढ़ो और ज्यादा पढ़ो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला करे आपकी तमाम जायज़ मुकामात पूरे हों और आपकी तमाम जो दुआएं हैं कबूल हो। तो चलिए दोस्तों, प्यारे प्यारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के व्लॉग में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है और बस अल्लाह की बातें करते रहता है। पढ़ाई में बुढ़ी माँ की हिफाजत करनी है, ये सारा कुछ बताते रहता है। अल्लाह हमें माफ कर दे। हाँ जी, सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा मसला हो गया, पहले आप इन बातों पर गौर करें फिर मैं इसके बारे में बात करती हूँ। मैं हमारा तुम्हारा माल तुम्हारा पैसे पैसे तुम्हारे 800 रुपए लिए तुम्हें 800 रुपए मुझे वापस दे दो। वापस नहीं आते तुम्हारा हार नेकलेस दे दो, नेकलेस दे दो मुझे ले लो, नेकलेस दे दो। मंगल के दिन मिलेंगे नेकलेस। अब है इसमें निकालो तुम्हें भरोसा नहीं तो मैं तो पूरी पेटी छोड़ के जाओ। आएंगे ना मैं अभी, मुझे सामान नहीं है, 2 साल हो गए लेकर जाकर 800 रुपए दी मैं, 800 रुपए हमें रापते। तो सुनो दो मिनट, तुम्हें पहली बार मिले मुझे 200 रुपए के नहीं, 2-3 बार आया फिर लॉकडाउन में आके गया। आई की नहीं इधर, फिर निकले माल ही नहीं आया था ना, कहीं को नहीं आता है माल, माल नहीं आता। निकालो तुम्हें क्या है उसमें, तो फिर क्या मैं लाके दूंगा जब तक ना बोलिए 900 रुपए का ऐसा है। हां 900 रुपए मुझे बैंगल्स की जरूरत, मंगल तक रखो। दूसरा देखो क्या है, भरोसा नहीं तो देखो। हाँ जी दोस्तों, ये बंदा जो है ना 2 साल पहले मुझे एक हार देकर गया था रोल गोल्ड का, जो मेरे हस्बैंड ने जो शादी की सालगिरह थी कहने लगे कि तुम्हारे गले में सोने का कोई हार नहीं है तो रोल गोल्ड ही ले लो। तो मैंने 1100 रुपये दे के एक मंगलसूत्र और एक नेकलेस ख़रीदा था, तो उस बंदे ने कहा कि 800 रुपये का नेकलेस है तो गारंटी देता हूँ 2 साल की गारंटी। और मैंने कहा ठीक है, तो गारंटी है तो मैं ले लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे वो हार दिलवाया था बट वो 1 महीने में ही सफ़ेद हो गया था, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से रिटर्न करने के बावजूद भी वो 2 साल तक घर आया ही नहीं, मेरे पैसे भी नहीं दिया, उल्टा वो नेकलेस भी नहीं दिया। देखिए ना दोस्तों, कमाते उतने ही हैं उतना खर्च करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और वो बंदा जो आता नहीं है आज गली में अचानक से मुझे मिल गया तो मैं उसके पीछे पड़ गई। मैंने कहा कि वो कमाई हराम की नहीं थी, अल्लाह ताला ने बस हमें हलाल की रोज़ी कमाने का हुक्म दिया है और वो मेरा शोहर जो है ना हलाल की कमाई से ही मुझे वो दिलवाए थे जो हराम की कमाई नहीं आती। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में ना मेरे बस 2 ही उसूल है कि खुद का
जो हलाल की कमाई है वो छोड़ने का नहीं और दूसरे का डुबोकर खाने का नहीं। यहाँ पर जगह जगह पर कदम कदम पर आपको अमानत में खयानत करने वाले और जो आपके पैसे हैं वो डुबोकर खाने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। बट मेरा ये उसूल है, देखिए यहाँ पर कांच फूट गया और मेरा बच्चा वहीं से चल रहा था, मेरे बच्चे ने ही ये इस कांच को फोड़ दिया था, तो तभी मैंने ये सारा समेट रही हूँ। और सुबह और बहुत अच्छी धूप पड़ी हुई थी ना, तो मैंने सारे चादरें वगैरह धोकर यहाँ पर डाल रही हूँ जी। तो मैं आगे बताती हूँ कि मैंने वो ख़रीदा और वो अचानक से मुझे मिल गया, बट मैंने उसे छोड़ा ही नहीं, कहा कि मेरे पैसे तो देकर जाओ, वो हराम के नहीं है, और या तो मुझे कुछ दूसरा देकर जाओ। और सोचा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर थोड़ा सा प्रैंक कर लूँ, देखते हैं उनके रिएक्शन के। मैंने यहाँ पर 1000-2000 खर्च कर दिए, तो उनके रिएक्शन कैसे आते हैं देख लेते हैं। गुस्सा में आया बहुत पैसे थे पैसे है इसे 700 रुपए गारंटी का 700 रुपए 400 कॉमेडी भी आज फ्री का माल है सब इसे पेड़ा दे मजरा 1 रुपए भी देने में इसे ये वो कैसे नहीं मिला था 2 साल पुराना दुश्मन मेरा 800 रुपए वाला 800 रुपए लेके तो हार के देने आता सर देखिए जी यहाँ पे अफसोस कि मैंने सोचा कि मेरे शोहर मुझ पर नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे कि इतना खर्च क्यों कर दिया, मैंने तो तुम्हें पैसे देता ही नहीं, फिर कहाँ से पैसे आए। बट यहाँ तो सारा मामला उल्टा पड़ गया, उन्होंने नाराज़ होने के बजाय मेरे से कहने लगे कि अफसोस है मेरी ज़िंदगी पर कि मैं तुम्हें सोने का पहनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं रोल गोल का पहना रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी पर मुझे अफसोस होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि कोई नहीं, ज़िंदगी में ना सुख दुख में ही काम आते हैं। देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए कर्जों की अदाई के लिए अपना सारा सोना बेच दिया, बस उन्हें खुश हो वो बस यही सोचा। मैंने इन्हें दूसरों के सामने झुकने नहीं दिया, जो भी था मेरे पास मैंने अपना घर सोना सब कुछ इनके लिए बेच दिया। तो मुझे खुशी है इस बात के लिए कि मैंने अपने हस्बैंड को किसी के सामने सिवाय अल्लाह के किसी के सामने झुकने नहीं दिया। तो बहरहाल दोस्तों बस यही चलती रहती है, बीवी को ना खुशी में ही अपने शोहर का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि दुख में और ज़्यादा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहना चाहिए, बस यही बात होती है। देखिए मैं हर लम्हा हर घड़ी उनके साथ हमेशा खड़ी होती हूँ, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, सुख हो दुख हो, चाहे जैसी भी हो। तो
तुम्हारा हाल देखिए दोस्तों, मेरा बेटा यहाँ पर छुप छुप के दूध पाउडर खा रहा है और छुपा रहा है, मैं डांटती हूँ उसे इतना ज़्यादा खाने से। तो आज का ब्लॉग बस कैसा लगा, बस थोड़ी सी गली में मस्ती मजाक हो गया और मेरा प्रैंक मुझे पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये इतने शरीफ निकले कि इन्होंने मुझे डांटा ही नहीं, उल्टा अफसोस जताने लगे कि अफसोस है मेरी ज़िंदगी पर। तो बहरहाल कोई नहीं, आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय बाय दोस्तों।